और वहीं शहर कोतवाली पुलिस ने साइबर ठगी के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोतवाली थाना प्रभारी के अनुसार कंट्रोल रूम को सूचना मिली थी कि 3 युवक एटीएम से राशि निकाल रहे हैं, जो संदिग्ध नजर आ रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों आरोपियों को मोहनलाल प्रजापत, छगन और चुन्नी प्रजापत को हिरासत में ले लिया। उनके पास से 1,55,000 की राशि बरामद की गई है। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि किसी व्यक्ति ने कंट्रोल रूम को ये बताया है कि 3 लड़के हैं और ये एटीएम से पैसे निकलवा रहे हैं, संदिग्ध हैं, जिस पर जो है पुलिस जाप्ता मौके पर पहुंचा, आसपास तलाश किया तो 3 व्यक्ति मौके पर एक दुकान के पास मिले, तो पुलिस ने जो है उनसे पूछताछ की तो तीनों ने अपना नाम बताया। एक का नाम मोहनलाल प्रजापत है, दूसरा छगन प्रजापत है और तीसरा चुन्नी लाल प्रजापत है। इन तीनों से जो है बातचीत की गई तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया और जो है लड़ाई झगड़ा करने पे उतारू हो गए, जिस पर जो है इनको दस्तियाब करके धारा 151 CRPC में गिरफ्तार किया। इनके पास जो है 1,55,000 रुपये कैश और 4 ATM मिले जो संदिग्ध थे, तो उनको जो है अलग से जब्त किया गया और इस संबंध में जांच जितेंद्र सिंह ASI के जुम्मे की गई। जितेंद्र सिंह ASI ने जांच के दौरान जो ATMs थे जब्त किए गए थे उनकी डिटेल निकलवाई, बैंक खातों के स्टेटमेंट निकलवाए और आरोपियों से भी पूछताछ की गहनता से, तो ये तथ्य सामने आया है कि ये 1,55,000 रुपये जो थे साइबर ठगी के रुपये थे और इस संबंध में जो है जांच रिपोर्ट पे अलग से मुकदमा दर्ज किया जा रहा है।